हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। तो देखते हैं सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगी मैं, देन उसके बाद यहाँ पर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले फैसिलिटिंग ऑर्गन्स देखेंगे, देन प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कि एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड द सीड, एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, और सीड जो है वो कवर्ड होता है, सीड कोट से कवर्ड होता है। कॉटिलिडन्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कॉटिलिडन्स को हिंदी में बीज पत्र भी बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके डेवलपमेंट में। इन एम्ब्रियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज, इन एंजियोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं बाय फ्रूट्स। यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं फ्लावर्स में कलर्ड जो पार्ट होता है यहाँ पर पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ग्रीन जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको सेपल्स बोलते हैं। देन यहाँ पर कार्पल्स, थैलेमस से जुड़ा जो पार्ट होता है उसको कार्पल्स बोलते हैं, जिससे पेडिसिल, जहाँ से फ्लावर जो है पूरा अटैच होता है उसको पेडिसिल बोलते हैं। ये जो पार्ट है ब्रैक्टिएट है। ग्रीन पार्ट के अलावा जो एक स्ट्रक्चर निकला होता है उसको ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। तो पेटल्स और सेपल्स और पेडिसिल, ब्रैक्टियोल्स, ये सब पार्ट होते हैं, कैसे, ये असेसरी पार्ट होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर के कैसे पार्ट हैं, असेसरी पार्ट हैं। जबकि स्टैमिन्स और कार्पल्स ये कैसे पार्ट हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, जो कलर्ड पार्ट होता है वर्ल्ड ऑफ फ्लावर का, यानी वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, तो उसको कम्प्लीटली, उसको टुगेदरली क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। और जो सेपल्स क्या हैं, कैलेक्स की एक यूनिट है, ठीक है, और कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे, कैलेक्स। तो हमें पढ़ना है मेन यहाँ पर रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होने वाले फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, हमें देखना है यहाँ पर स्टैमिन्स देखना है और कार्पल्स देखना है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन फ्लावर, एंड गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन फ्लावर। द ग्रुप ऑफ, ये जो स्टैमिन्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्टैमिन्स है। इसका एक स्टैमिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है मैंने। तो यहाँ पर द ग्रुप ऑफ स्टैमिन्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम, और वी कैन से दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल बनाया है, जो कि यूनिट है जिसकी गाइनोशियम की। दिस ग्रुप ऑफ कार्पल्स, है ना, ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम, दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन, यहाँ पर थ्री पार्ट होते हैं स्टैमिन के। फर्स्ट, ये जो बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है रेड कलर से शो हो रहा है, इसको एंथर बोलेंगे, ठीक है, ये कैसा है, बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है। और सेकंड, इसमें एक लाइन दी गई है जो दो भागों में इसको डिवाइड कर रही है एंथर को, तो इसको बोलेंगे कनेक्टिव, ठीक है।
नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है जो लॉन्ग टेल जैसी दे रखी है इसको फिलामेंट बोलेंगे। सो स्टैमिन्स आर डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल्स की। यहाँ पर भी थ्री पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वॉल कवर्ड द ओवरी। सो इनसाइड ओवरी इज कवर्ड विद ओवरी वॉल। हियर द स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स, जब भी पॉलिनेशन के दौरान जब भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर गिरेंगे तो यहाँ पर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आगे जाकर जो आपका इसमें फ्लावर में देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर स्टैमिन्स में ही टीएस ऑफ एंथर की। यहाँ पर एनाटॉमी डिस्कस करेंगे एंथर की। तो यहाँ पर मैंने हाफ पार्ट बनाया है और पूरा ही पार्ट इस तरह बनेगा, तो समझाने के लिए मैंने आधा पार्ट बनाया है। आप डायग्राम में, आप जो है डायग्राम को एग्ज़ाम में पूरा बनाएं और क्लियरली उसको लेवलिंग करें, क्योंकि आप जितनी अच्छी लेवलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि डायग्राम को बहुत सजाना है, डायग्राम इस तरह बनाना है टाइम को देखते हुए एग्ज़ाम में कि डायग्राम भी बन जाए और एग्ज़ामिनर को समझ में आए, सारी चीज़ें लेवल्ड हों, तो एग्ज़ाम को क्लियर लगेगा कि बच्चे को आता है। तो डिस्कस करते हैं द टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर, यहाँ पर एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बाईलोब्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा है, बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है और फोर माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फोर माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट इन द एंथर। फोर लेयर्स होती हैं। फर्स्ट जो आउटर लेयर है वो उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जबकि सेकंड मोस्ट जो लेयर है वो एंडोथीशियम है, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस पाई जाती है। जस्ट एंडोथीशियम के नीचे डाउनवर्ड मिडिल लेयर होती है जो कि 4 to 5 लेयर होती है, एंड सबसे फोर्थ लेयर जो होती है जो रेड कलर से शो हो रही है यहाँ पर, ये क्या है, टैपिटम है। समझाने के लिए इसको कलर डिफरेंट कर दिया है। तो ये कैसी है, टैपिटम की लेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक इमिच्योर एंथर है, ठीक है, इमिच्योर एंथर का है, बाद में जाके ये मैच्योर होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि मैच्योर एंथर क्या है और इमिच्योर एंथर क्या है। मैच्योर एंथर में क्या होता है कि आपको चारों लेयर सीन होंगी, जबकि मैच्योर जो एंथर है उसमें चारों लेयर सीन नहीं होंगी। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये इनका जो मेन काम है वो प्रोटेक्शन का है और डिसेंस में इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर, जबकि मिडिल लेयर जो होती है और टैपिटम जो होती है, जब जो मैच्योर एंथर होगा वहाँ पर मिडिल लेयर और टैपिटम जो है वो नरिशमेंट के लिए यूज्ड हो जाएगी, इसलिए हमें मैच्योर एंथर में ये मिडिल लेयर और टैपिटम शो नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर इमिच्योर एंथर की ही बात करें तो टैपिटम के अंदर कुछ टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं जिनको स्पोरोजीनस टिश्यू सेल बोलते हैं, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है स्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। आगे जाकर यहाँ पर डिवीज़न होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्टेड होते हैं, डिवीज़न होते हैं, मियोसिस होंगे, माइटोसिस होंगे, इस तरह से आगे जाके इस तरह के डिवीज़न होंगे जो कि पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मैच्योर होके स्टोमियम के द्वारा रिलीज हो जाएंगे। कैसे, स्टोमियम के द्वारा रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि मैच्योर एंथर और इमैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है तो आप इजीली बता सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, और कैसे मेल गैमेटोफाइट बनता है और कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ये हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।